कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का आंदोलन पिछले 1.5 महीने से जारी है। इस दौरान अब तक कई किसानों की मौत हो चुकी है। वहीं अब सोमवार देर शाम लुधियाना के 49 साल के किसान लाव सिंह ने सिंघू बॉर्डर पर मुख्य मंच के पास जहरीली पदार्थ निगलकर आत्महत्या कर ली। आनंद फानन में किसानों ने उसे निजी अस्पताल पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। मृतक लाव सिंह ने जहरीला पदार्थ खाने से पहले एक सुसाइड नोट भी लिखा है, जिसमें उसने लिखा है कि ठंड में दिल्ली की सीमाओं पर किसान अपनी मांगों को लेकर बैठे हैं और प्रधानमंत्री हमारी बातें नहीं सुन रहे, जिसके चलते मैं आहत हूं और मैं ये कदम उठा रहा हूं। जय जवान जय किसान। ये लाभ सिंह सुमत जगदीश सिंह, गांव सिरथला, जिला लुधियाना पंजाब का रहने वाला था और इसने कल सिंह बोर्डर अपने दिल्ली में किसान आंदोलन में एक जड़ी लगता उठा लिया, जिसके कारण इसकी मृत्यु हो गई। इसके वारिस आए हैं तो सबसे उत्तरी कार्रवाई करते हैं। सर कब आया था ये? ये कल आया। सर इसका सुसाइड नोट भी मिला है क्या? अभी मेरी नॉलेज में नहीं। आपको बता दें कि लाभ सिंह एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में सरकारी नौकरी कर रहा था। फिलहाल पुलिस ने उसके शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सामान्य अस्पताल भिजवाया है और आगामी कार्रवाई की जा रही है। सोनीपत सिंघू बॉर्डर पर अब तक किसान आंदोलन में 11 किसानों ने दम तोड़ दिया है। केंद्र सरकार के साथ किसानों की अब तक 9 राउंड की बातचीत के बावजूद अब तक कोई सहमति नहीं बन पाई है। अब एक बार फिर 15 जनवरी को सरकार और किसानों के बीच वार्ता होगी। सोनीपत से पवन राठी, पंजाब केसरी टीवी।